हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉकिंग एंड टेक्नो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास डेल का लैपटॉप है, तो इसको हम लोग पूरा ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसे हम लोग सर्विसिंग करेंगे और कुछ जो पार्ट है यहाँ पे हम लोग उसे क्लीन भी करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारा लैपटॉप है बिल्कुल वर्किंग प्रोसेस में है। सो चलिए हम लोग इसको वन बाई वन करके, इसके हर पार्ट को अलग करके इसको क्लीन करेंगे और उसके बाद इसको रिपेयर भी करने की कोशिश करेंगे, अगर कुछ पास्ट पार्ट हमारा यहाँ पे अगर डिफेक्ट होगा तो। तो चलिए, सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप के बैक साइड में आना है और आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेना है। सो आपको ध्यान रखना है कि आपको थिन स्क्रू ड्राइवर लेना है और उसके बाद सारे स्क्रू को यहाँ पे वन बाई वन आपको ओपन कर लेना है। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसे ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने जो हार्ड डिस्क का जो कवर प्लेट है इसे ओपन कर लेना है। स्क्रू ड्राइवर ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा हार्ड डिस्क का कवर प्लेट है। सो इसे हमने ओपन कर लिया। उसके बाद आपको एक थीन स्क्रू ड्राइवर लेना है फिर से, और सबसे पहले आप, चलिए हम लोग इसका पहले बैटरी को ओपन कर लेते हैं। और बैटरी ओपन करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक लॉक मिलेगा। उस लॉक को आपको बैक साइड में प्रेस करना है। जैसे मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, ये जो लॉक है आपको अपोजिट साइड में आपको प्रेस करना होगा और ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा बैटरी यहाँ पे ओपन हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे अपने हार्ड डिस्क को ओपन करते हैं और रैम को ओपन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रैम को ओपन करते हैं। और रैम को ओपन करने के लिए देखिए, यहाँ पे हमारा डबल स्लोट रैम इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे, चलिए पहले हम लोग हार्ड डिस्क को ओपन करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रैम को भी ओपन करेंगे। तो हार्ड डिस्क को कैसे ओपन करना है, यहाँ पर देखिए, ये जो हार्ड डिस्क हमें एक बैक साइड से इसे हल्का ऊपर की ओर में पुश करना और फिर बैक साइड में इसे प्रेस कर लेना है। इस तरह से आपने देखा, ये बिल्कुल आसानी तरह से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग रैम को ओपन करेंगे। रैम को ओपन करने की बहुत ही सिंपल ट्रिक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगी, दो पिन मिल जाएगी साइड वाइज, और इस दो पिन को आपको सिर्फ सिंपली प्रेस करना है। और जैसे ही प्रेस करेंगे, ये अप साइड में ये ओपन हो जाएगा रैम ऑटोमेटिक। ये देख सकती हैं, हमारा वन रैम है, 2 GB का रैम है यहाँ पर, और जो सेकेंड रैम है इसे भी हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे। तो आपको सिंपली उसी तरह से सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे जो पिन रहेगा उसको साइड वाइज में प्रेस करना है। यहाँ पे साइड वाइज जैसे ही आप लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे, ये रैम भी ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसे रैम को ओपन करते समय थिन स्क्रू ड्राइवर के यूज़ करेंगे या फिर कंपास का भी आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए, ऊपर की साइड में ये ऑटोमेटिक ओपन होगा और हमें इसे पुल कर लेना है बैक साइड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अपने रैम को भी खोल लिए, हार्ड डिस्क को भी, और उसके बाद बैटरी को भी खोल लें। यहाँ पे हमारा डबल रैम था, यहाँ पे हम लोग SSD कार्ड या फिर HDD कार्ड, हार्ड डिस्क कार्ड भी लगा सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसको वन बाई वन पूरा जो स्क्रू ड्राइवर है इसे ओपन करते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर ओपन हो जाएंगे, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे जो होती है एक वायर से जो हमारा कीबोर्ड होता है यहाँ पे ये कनेक्टेड होता है, आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। सो इसे आपको कैसे ओपन करना है, यहाँ पे आपको एक थिन सी क्लिप मिल जाएगी। इस थिन क्लिप को आपको बैक साइड में प्रेस करके वायर को हटा देना है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रू से आपको यहाँ पे ये सेट रहेगा। उसके बाद इसे हम लोग ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद वायर को क्लिप की द्वारा से हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ही हम लोग इसे हटा देते हैं।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कीबोर्ड भी हम लोग ने अलग कर दिया है। अब इसको फिर से बैक साइड का पूरा जो स्क्रू है इसे ओपन करेंगे। जो डिफरेंट लैपटॉप होते हैं उसका डिफरेंट प्रोसेस होता है किस तरह से उसे खोलना है। तो इसमें पहले हमारा हार्ड डिस्क जो था, हार्ड डिस्क को ओपन करना पड़ा, उसके बाद बैटरी को ओपन करना पड़ा, और उसके बाद हमें सारे स्क्रू को ओपन करने होंगे। और अभी जो कुछ कुछ नए मॉडल जो लैपटॉप आ रहे हैं उसमें आपको डायरेक्ट पूरा जो बैक पैनल है इसे ओपन करना होगा, तो उसके अंदर में बैटरी रहेगी, SSD या फिर हार्ड डिस्क जो है वो रहेगा और रैम रहेगी। तो चलिए पहले हम लोग इसे भी ओपन कर लेते हैं। सो स्क्रू ओपन करने के बाद आपको एक कार्ड लेना है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो सकता है या फिर कोई भी हार्ड कार्ड या फिर आईडी कार्ड भी आप लोग अपना ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे या फिर स्टील स्केल भी आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग बेस्ट होगा कि एक हार्ड कार्ड लें, जैसे कि हमने यहाँ पे एक ATM कार्ड लिया है, और इससे हम लोग इसे जो साइड पैनल है यहाँ पे लगाएंगे इसके बीच में, और बीच में लगाने के बाद इसे स्क्रैच करेंगे। स्क्रैच करने से क्या होगी, जो यहाँ पे जो कुछ बटन्स होती हैं वो फिक्स होती हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अपनों देखिए यहाँ पे इसे ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो हमारा जो पैनल है ये ओपन हो रहा है। सो यहाँ पे पैनल हमारा ओपन हो चुका है, जो बटन फिक्स थे। चलिए सबसे पहले हम लोग अपने मॉनिटर्स को यहाँ पे रिमूव करते हैं। मॉनिटर्स को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे स्क्रू से ये सेट रहेंगे मॉनिटर। सो यहाँ पे आपको इसको हटाने हैं, और यहाँ पे जो क्लिप रहेंगे इसको अलग करना है। सो जो आपको मॉनिटर रहेगा लैपटॉप का, वो स्क्रीन जो है इसे अलग कर देना है पहले। सो देखिए हम लोग इसे अलग करते हैं स्क्रीन को। सो जो हमारा स्क्रीन था वो वायर से फिक्स है, तो सबसे पहले हम लोग इसे अपने एक वायर को खोल लेंगे। आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा जो स्क्रीन है उसका जो वायर फ्रंट साइड है या बैक साइड है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने लैपटॉप को ओपन करना होगा। जो मॉनिटर्स को अगर आप लोग ओपन कर रहे हैं तो ये हमारा जो वायर्स था ये बैक साइड में ही रह गया था, तो इसे हम लोग इसे पहले ओपन कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा ये जो वायर है ये ओपन हो रहा है, और उसके बाद जो हमारा मॉनिटर जो है स्क्रीन वो बिल्कुल अलग हो जाएगा लैपटॉप से। अब जैसा कि देख सकते हैं हमारा मॉनिटर और जो पूरा जो सिस्टम था दोनों दो पार्ट में हो गए हैं। अब ये देखिए हमारा मॉनिटर है, और ये हमारा जो सिस्टम था कीबोर्ड जहाँ पे आप लोग इंस्टॉल था हमारा वो वाला सिस्टम पैनल पूरा, और ये हमारा मॉनिटर, ये बिल्कुल पूरा अलग हो चुका है। अब हम लोग अपने सिस्टम में चलेंगे और सिस्टम में जाके देखेंगे कि कैसे इसका वर्किंग प्रोसेस है, क्या है। यहाँ पे ये देख सकते हैं जो वायर आया है हमारे मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड रहता है, और यहाँ पे ये हमारा पावर बटन है जहाँ हम लोग पावर बटन से इसे ऑन करते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग साइड में रखते हैं और अपने मदरबोर्ड के साथ चलते हैं और देखते हैं इसका वर्किंग प्रोसेस लैपटॉप का। सो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा पूरा सिस्टम है लैपटॉप का, और यहाँ पे हम लोग सारा चीज़ जो पार्ट थे हमारे यहाँ पे ओपन कर लिए हैं हम लोगों ने। और ये जो आप देख सकते हैं जो एक बोर्ड है यहाँ पे, इसे हम लोग कहते हैं मदरबोर्ड। ये हमारा लैपटॉप का मदरबोर्ड है। सो यहाँ पे भी कुछ स्क्रूज़ हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं CPU का फ़ैन है, और CPU का फ़ैन किस तरह से वर्क करता है यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँगा बिल्कुल ओपन करके। ठीक है, तो यहाँ पर CPU का फ़ैन है, यहाँ से जो देख सकते हैं जो कॉपर कलर जो कॉपर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा CPU जो होता है उससे कनेक्टेड होता है। जो हमारा प्रोसेसर होता है इसके साथ में ये जो कॉपर है ये अटैच रहता है। तो हम लोग इसे ओपन करके देखेंगे, और ये जो अटैच रहता है इसके पीछे में रीजन क्या है। सो चलिए हम लोग इसको बताएंगे डीपली में करके, प्रैक्टिकली ओपन करके। और यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये है हमारा CMOS बैटरी है, तो सबसे पहले हम लोग CMOS बैटरी को हटाते हैं।
और यहाँ पे ये देख सकते हैं सीमोस बैटरी है। इसके लिए क्या ये किस चीज़ में यूज होती है सीमोस बैटरी, जो हमारा जो डेट एंड टाइम जो मेंटेनेंस रहता है उसके लिए ये सीमोस बैटरी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो यहाँ पे जो सीमोस बैटरी है यहाँ पे एक क्लिप के साथ अटैच रहता है। सो इस क्लिप का आपको प्रेस करके सीमोस बैटरी को अलग करना होगा। देखिए हम लोगों ने जिस तरह से इसे अलग कर लिया है, इस तरह से आप लोग भी अपने सीमोस बैटरी को अलग कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्लिप है इस क्लिप के साथ में ये अटैच रहता है, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे ये अटैच रहेगा। सो आपको जस्ट सिंपली हल्का सा प्रेस करके इसको बैक साइड में पुल आउट कर लेना है। सो मैंने बस आप लोगों को दिखाने के लिए इसे पुल आउट किया था। मैं इसको फिर से यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ। तो चलिए हमारा यहाँ पे ये हो गया है। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा दो जैक दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग अपने ईयरफोन या हेडफोन को लगा सकते हैं। और इस साइड में हम लोग देखें तो यहाँ से हमारा जो यूएसबी केबल होता है, यूएसबी केबल को अपने यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, जिस तरह से हम लोग यूएसबी केबल को लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा चार्जिंग पॉइंट है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा चार्जिंग पॉइंट था साइड में, ठीक है। और यहाँ से हमारा ये पावर जाता है स्क्रीन में, और स्क्रीन में जाने के बाद हमारा यहाँ पे ये पूरा वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो पहले मदरबोर्ड में यहाँ से जाएगा पावर, मदरबोर्ड में पावर जाने के बाद यहाँ पे ये देखिए मदरबोर्ड में पावर गया। और मदरबोर्ड में पावर जाने के बाद यहाँ से जो हमने वायर ओपन किया था उसके थ्रू स्क्रीन में जाती है पावर। सो ये तो आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग अपने मदरबोर्ड को यहाँ पे ओपन करेंगे, पूरे पार्ट को अलग करेंगे मदरबोर्ड को भी ओपन करके इसमें से, और हम लोग और डीपली इसे देखेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसे ओपन करते हैं स्क्रू को, और उसके बाद अपने मदरबोर्ड को भी साइड करेंगे और इसको डीपली में समझेंगे कि किस तरह से हमारे यहाँ प्रोसेसर जो हीट होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है बाहर की ओर में, और उसको हीट को रिलीज करता है, और जो प्रोसेसर पे किस तरह से अफेक्ट नहीं पड़ने देता है, इस सारे चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा फ़ैन है, और फ़ैन का जो केबल है वायर है किस तरह से अटैच है। सो हम लोग फ़ैन को अलग करते हैं। सबसे पहले फ़ैन को अलग करने के लिए यहाँ पे देखिए एक क्लिप है, छोटा सा क्लिप। इस क्लिप को पकड़ के आपको हल्का सा प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं कीजिएगा, हल्का सा बैक साइड में प्रेस करना है आपको। और ध्यान रखिए कि थिन स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करेंगे, और या फिर कंपास का भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसको सो अलग अब ये करना हम है। लोगों ने देखा। अब हम लोग इसके जो मदरबोर्ड है जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जो बड़ा वाला ग्रीन कलर का है इसे हम लोग मदरबोर्ड कहते हैं। तो हम लोग इस मदरबोर्ड को यहाँ पे ओपन करेंगे इसे, और ओपन करने के बाद इसके प्रोसेसर किस तरह से है अंदर में फिट उसको देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग फ़ैन का स्क्रू को खोल लेते हैं। यहाँ पे फ़ैन का केबल तो ऑलरेडी हम लोगों ने इसे खोल लिया है, स्क्रू को इसे खोलते हैं, उसके बाद मदरबोर्ड को अलग करेंगे। सो यहाँ पे हमारा ये मदरबोर्ड अलग हो गया है, आप लोग जैसे देख सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं किस तरह से हमारा ये, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेसर है यहाँ। तो देखिए अब हमारा ये मदरबोर्ड है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब इस मदरबोर्ड को किस तरह से वर्क करता है ये दिखाते हैं। और ये है हमारा, पहले ये देख लीजिए, ये है हमारा लैपटॉप का, और ये है हमारा कंप्यूटर का मदरबोर्ड। सो आप लोग देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है इसमें, और इसमें जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड है इसका फ़ैन को देखिए कितना बड़ा है, और यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो लैपटॉप का जो फ़ैन था कितना छोटा था। अब देखिए इस दोनों में डिफरेंस क्या है, ये देखिए इसमें कितना छोटा फ़ैन से किस तरह से अटैच रहता है, और जब ये इस तरह से ये अटैच रहता है तो उसके बाद ये जो अटैचमेंट होती है ये कॉपर का जो मेटल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसके साथ अटैच रहता है। और इसके साथ अटैच होने के बाद ये जो हमारा प्रोसेसर यहाँ पे इंस्टॉल है, इस प्रोसेसर को जब ये हीट होता है तो हीट को ऑब्जर्व करती है इस कॉपर वायर से। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो कॉपर मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ द हीट होता है। सो यहाँ पे इसे ऑब्जर्व करता है हीट को, और हीट को ऑब्जर्व करने के बाद उसके साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हीट पास होती है कॉपर मेटल के थ्रू, और जैसे यहाँ ये पास होती है यहाँ से इस तरह से फ्लो होता है हीट, और कंटिन्यूसली हीट फ्लो होते रहते हैं। और यहाँ पे ये जो फ़ैन है ये फ़ैन हमेशा वर्किंग प्रोसेस में रहता है, और जैसे ये वर्किंग प्रोसेस में फ़ैन रहती है तो हीट जो है उसे वन साइड से इसे कूल करता है, और ये कूल जो करते रहता है हमेशा, इससे क्या होता है जो
कॉपर मेटल जो हमारा यहाँ पे हीट होता है उस हीट को यहाँ पे एब्जॉर्व करता है, और एब्जॉर्व करने के बाद इसे कूल करता है। सो इस तरह से जो इसका जो वर्किंग प्रोसेस है कंटिन्यू होते रहता है, जिससे जो हमारा यहाँ पे प्रोसेसर लगा रहता है उसे ये कूल करता है, और कूल करने के बाद क्या होता है जो हमारा लैपटॉप है या कंप्यूटर है उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता।